वेलकम बैक एवरीवन। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। देखो, सबसे पहले ना बिजनेस से शुरुआत करते हैं। कंपनी का जो बिजनेस है, फाइनेंसिंग का बिजनेस है, स्पेशली टू द टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया। टूरिज्म सेक्टर के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट्स, अम्यूजमेंट पार्क, रोपवे, मल्टीप्लेक्सेस, होटल्स, इन सारी चीजों को जो कंपनी है बेसिकली फाइनेंस करती है। तो इसके अंदर हमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी। एक ये जो होटल इंडस्ट्री होती है एंड इसके अराउंड जितने भी अदर बिजनेस रहते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी के बिजनेस, जो रिजॉर्ट्स वगैरह हो गए, इन प्रॉपर्टीज की बात करो, नॉट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। एंड दूसरा हमें समझना पड़ेगा फाइनेंस। देखो, ये पैसा कमाते हैं अपने इंटरेस्ट कॉस्ट से, राइट? बट आपको एक चीज क्या समझनी है कि ये जो होटल इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो जो है कहीं ना कहीं एक समय के बाद में ऑब्सोलीट होती चली जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा होटल ऑब्सोल्यूट चला जाता है, बट हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि जिस होटल की आज हाइप है, ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स वो हाइप उस लेवल पे नहीं रहेगी, कुछ नया आएगा एंड उसके बाद में जो प्रीवियस साइकिल है, क्योंकि ये सिक्लिकल होती है इंडस्ट्री। ऑल्दो इसके जो सिक्लिकल होता है, इसे हमें अलग तरीके से देखना होता है। इसकी साइकिल जो है 7 to 10 ईयर्स की होती है किसी भी होटल की, वो आप पढ़ें गूगल पे तो आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा। और उसके बाद में अल्टीमेटली एक रिप्लेसमेंट आता है, तो आपको एक वो चीज समझनी है। दूसरी, होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा होती है एंड उसका एक अच्छा कंपोनेंट इंटरेस्ट से भी बनता है, तो वो एक सर्टेनली अच्छा पॉइंट है। अब हम लोग समझेंगे इस कंपनी को फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से। देखो, यहाँ पे चांसेस क्या है, एक रिस्क साइड क्या है कि एक तो इनका लोन जो होंगे, जो साइजेस होंगे लोन के, वो थोड़े से बड़े होंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे जो एनपीए है उसके चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, तो देखो यहाँ पे एसोसिएटेड ब्रांड्स कौन कौन से, आईटीसी, लीला, ताज, ललित, लेमन ट्री, हयात, मैरियट, हिल्टन, ये सारे बड़े नाम जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जिनके साथ कंपनी काम कर चुकी है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 1834 करोड़ का यहाँ पे इनके पास में लोन बुक है, जिसमें 81% जो है वो टूरिज्म सेक्टर की तरफ पे है। अगर हम लोग यहाँ पे एक बार इसके एनपीए देखते हैं तो 3.52% के एंड पे ग्रॉस एनपीए, नेट जो है वो 2.84% के आसपास में है। देखो, अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि जो लोन का रीपेमेंट होता है, क्योंकि इतने ज्यादा लोन्स कंपनी दे रही है, तो वो जो है एक पीरियड थोड़ा सा बड़ा होता है। जनरली हम लोग देखेंगे कि कंपनी के जो लोन्स होते हैं वो 20-30 साल के पीरियड पे होते हैं। तो आज का जो हम लोग एनपीए का नंबर देख रहे हैं, अगर आज का ही सिर्फ हम नंबर देखेंगे, तो वो एक अच्छा नंबर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप 2190 करोड़ के आसपास है इस कंपनी का। स्टॉक का पी 23 पे, इंडस्ट्री का पी 21.9 पे। आरओसी, आरओई यहाँ पे 9% के अराउंड है, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं कहूंगा, बट हाँ ठीक है। सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स में थोड़े से प्रॉब्लम हुए, मुझे लगता है प्रॉब्लम का रीजन यहाँ पर ये रहा है कि अगर हम लोग एक मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो के हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स को देखते, तो वो हायर एंड पे रहे, जहाँ पे बोरिंग और लेंडिंग दोनों चीजें थोड़ी सी मुश्किल होती है। बट जिन बिजनेसेस को लेंडिंग चाहिए ही होती है अपने बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, उनके पास में डिसबर्समेंट्स बढ़ते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो दिसंबर 2023 में 67 करोड़ के रेवेन्यू देखने को मिले थे, जहां दिसंबर 2022 में 51 करोड़ के थे। अब देखिए, दिसंबर 2022 में डिप था, तो हम अगर कहें कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सेल्स बहुत अच्छी है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखेंगे 2020 में 71 करोड़ का रेवेन्यू था, 2021 में 62 करोड़ का रेवेन्यू था। तो अल्टीमेटली जो है सिमिलर नंबर्स पे ही है, कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। फाइनेंसिंग मार्जिन 54% के अराउंड यहाँ रहा है एंड 28 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। देखो, एक और चीज मैं आपको कहूंगा, इस पे हम लोग डिटेल वीडियो भी बना रहे हैं, बट मैं आपको अभी सजेस्ट करूंगा कि एक बार ना आप रिसर्च करें कि ये जो बिजनेस है होटल के बिजनेस, ये कैसे काम करते हैं। बिकॉज जनरली जितनी भी बड़ी कंपनीज होती है ना, ऐसा नहीं होता कि जैसे हयात है, तो हयात डायरेक्टली अपने होटल्स नहीं डालती है, वो एक सब्सिडरी कंपनी बनाएगी, फिर सब्सिडरी कंपनी के अंदर कुछ लोग होंगे जो उसे मैनेज करेंगे। तो मुझे लगता है वो सारी चीजें यहाँ पे समझनी है। रेवेन्यू की अगर हम लोग यहाँ पे ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बात करें, 2016 देखो 2013 से 2016 पीरियड नहीं है ग्रोथ का, 2017 में एक पीक लिया कंपनी ने, उसके बाद 2019 तक एक बहुत ही स्लो नंबर पे ग्रोथ हमें देखने को मिली। 2020-21 जो है अच्छे पीरियड्स रहे कंपनी के लिए कंपैरेटिवली, बट वापस जो है एक हॉल डाउन हमें रेवेन्यू में देखने को मिला। अब आप समझो, जो कंपनी 2013 में भी 180 करोड़ का रेवेन्यू कर रही थी, 2023 में अगर उसने सिर्फ 50 करोड़ रेवेन्यू को बढ़ाया, तो दैट इज नॉट अ बिग थिंग। यहाँ पे कंपनी डबल भी नहीं कर पाई है, डबल छोड़िए 180 करोड़ से अगर हम लोग यहाँ पे 50% भी गिनते हैं, मतलब 90 करोड़ एड ऑन करते हैं, 270 करोड़ के सेल्स बनते, रेवेन्यू बनता है, वो भी कंपनी अभी नहीं कर पाई है। तो मुझे लगता है वो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको समझनी है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंप्रूव होता हुआ नजर आया, बिकॉज टॉप लाइन जो है उसमें सेल्स ग्रोथ आई है, 9.73 रुपीज का ईपीएस देखने को मिला है। और देखो,
मैं आपको एक और चीज यहाँ पे समझाता हूँ। आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं कंपनी के बारे में बुरा बोल रहा हूँ। काफी सारे जनों को ये कंफ्यूजन हो जाता है। मेरा काम है यहाँ पे आपको बताना कि टॉप लाइन किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। देखो होता क्या है, एक जो काफी सारे जन डिस्कशन नहीं करते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। जब प्राइस का, स्टॉक प्राइस का एक डिप आता है ना, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक प्राइस के अंदर डिप था जब स्टॉक इन लेवल्स पर ट्रेड कर रहा था 2023 में 76-78 पे, बिकॉज वैल्यूएशंस जो है, जो नंबर्स हैं, जो फंडामेंटल नंबर्स है, वो कंपैरेटिवली हायर एंड पे थे। तो वहां से जो है स्टॉक ने एक ब्रेकआउट लिया। तो ऐसा मत समझिएगा कि मैं बुरा बता रहा हूँ कंपनी को। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे किस तरीके से कंपनी के फंडामेंटल्स हैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिसंबर 2022 में प्रमोटर्स के पास में 17.94% ऑफ द कंपनी थी, और उसके बाद से आप देख पा रहे हैं कि हल्का सा स्टेक यहाँ पे कम हुआ है। यहाँ पे FIIs के पास में अच्छा स्टेक हुआ करता था, उन्होंने अपने स्टेक को सिग्निफिकेंटली कम किया। पब्लिक के पास में हमें स्टेक बढ़ता हुआ नजर आया, एंड इसमें भी जो वेल्दी इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज होल्ड करते हैं वो आपके स्क्रीन पर है। लास्ट डिविडेंड की बात करें तो 11 अगस्त 2023 ₹2.40 का डिविडेंड हमें देखने को मिला था। आइए चार्ट्स पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक ग्राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है वो हमें क्लियर देखने को मिल रहा है इस जोन पे, अगर हम लोग बात करते हैं। ऑल दो बहुत परफेक्ट पैटर्न नहीं बना हुआ है, बट आइडेंटिफाइबल है। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन जो है, सपोर्ट जोन है यहाँ पे, वो है 165 से लेके 177 रुपीज तक के जोन पे। इसके नीचे स्टॉक निकलता है वापस आकर तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज इसके नीचे डायरेक्ट सपोर्ट जो है वो 143 के लेवल पर है। अब बात करते हैं करंट लेवल पे, बट उससे पहले एक बार इसका मैक्स चार्ट देखते हैं कि ये पहले भी इस डायरेक्शन तक आया है कि नहीं आया है। तो इसका ऑल टाइम हाई लेवल है, स्टॉक लिस्ट हुआ है 2006 में। ओके सो देखो, अगर आप करंट लेवल पे स्टॉक को बाय कर रहे हैं, मैं पर्सनली ऐसा समझता हूं कि स्टॉक कहीं ना कहीं हायर एंड वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। हाँ, हो सकता है यहाँ से कि नेक्स्ट रिजल्ट्स बहुत अच्छे हों तो फिर ये जो है वैल्यूएशन बहुत ज्यादा सही तो नहीं, बट हाँ एक अच्छे जोन पे नजर आ जाएंगी। तो वो एक चीज है जो यहाँ पे आपको समझनी, बट करंट लेवल पे हम लोग बात करें तो एक कंपैरेटिवली थोड़ा सा हायर एंड पे वैल्यूएशन। दूसरी चीज यहाँ पर ये आती है कि पब्लिक एक्सपोजर कंपैरेटिवली इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, तो मुझे वो भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं पोजिशंस नहीं बना रहा हूँ इस कंपनी में। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो देखो एक वी पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आया, एंड दिस पैटर्न जनरली इंडिकेट्स कि अगर प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, मतलब इसी जोन के आसपास ऊपर क्लोजिंग मिलती है इसी जोन के अराउंड, तो वो एक अच्छा साइन होगा, एंड यहाँ से कॉन्टिन्यूएशन ऑफ मोमेंटम रह सकता है। तो वो एक चांसेस नजर आ रहा है, ऑल्दो थोड़ा सा रिस्कियर एंड पे है, बिकॉज रिसेंट टाइम्स में यहाँ पे टेंडेंसी डेवलप हुई है सर्किट की। सर्किट जब भी किसी स्टॉक में लगता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। देखो यहाँ पे 243.75 का रेजिस्टेंस बैंड है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलने लगती है तो वो एक अच्छा पॉइंट रह सकता है यहाँ पे, एंड उसके बाद में मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। ये लास्ट जोन जो था ये ऑलमोस्ट 35% का जोन था, तो इट्स सेफ टू अज्यूम कि नेक्स्ट 17-18% तक के जोन यहाँ से हमें देखने को मिल सकते हैं। बट देखो वहां पे आप सेल कर पाएंगे कि नहीं वो एक डाउट है, एंड सेकंड डाउट यहाँ पे मेरे दिमाग में ये आता है कि अगर वहां से सर्किट लग के स्टॉक नीचे आने लगा तो उस केस में आप कैसे हैंडल करेंगे। तो ये दो क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं करंट लेवल की, मतलब यहाँ से अगर मैं स्टॉप लॉस कंसिडर करता तो देखो ये क्रिटिकल सपोर्ट है 165 तक, 165 से भी एक बाउंस बैक रह सकता है, बट इमिडिएट अगर आपने लेना है यहाँ पे तो 205 रुपए 80 पैसे के नीचे निकलना थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बढ़ाएगा और नीचे जाने की। बट विद दैट सेड, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस एपिसोड। पसंद आया प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी फीडबैक है प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।